स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कब उगई हमार दिनकर, और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। भगवान सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। घाटों से लेकर बाजार तक सज चुके हैं। व्रती महिलाएं अपनी मनोकामनाएं लिए छठी मैया का व्रत रखकर पूरे श्रद्धा भाव और साज श्रृंगार के साथ छठ माता की आराधना कर रही हैं। निष्ठा और मन्नत का ये पर्व बिहार झारखंड सहित देश के कई अन्य राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। सोना पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा दिवाली के छठे दिन से शुरू होता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ये पर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ आते ही छठी मैया के भक्तों में उमंग दिखाई देने लगती है। घाटों पर पूजा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। व्रती महिलाओं और भक्तों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बाजारों में जगह जगह सूप, डाला, गन्ना और पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बिकने लगती है। 4 दिनों के इस त्योहार में साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है। आस्था के इस महापर्व के नियम काफी कठिन होते हैं। साथ ही छठ में गेहूं का ठेकुआ बनाने का भी महत्व है, और मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया अपने जातकों की मनोकामना पूरी करती है। जब घाट पवित्र हो जाए, रास्ते साफ सुथरे दिखाई दे और आंखें भगवान सूर्य के उगने का इंतजार कर रही हो, लोग गीतों के जरिए छठी मैया को याद कर रहे हो, भास्कर की किरणें जमीन पर पड़ते ही धरती पर मंगल होने लगे, तब होता है छठ का महापर्व। तो चलिए जानते हैं इस महापर्व के खास 4 दिनों में क्या क्या खास होता है। छठ शुरू होने से 1 महीने पहले से ही छठ गीत हर तरफ सुनाई देने लगते हैं। कहते हैं कि छठ माता के गीत गाने और सुनने से छठी माता सारे कष्ट दूर करती हैं और सुखी जीवन का आशीर्वाद भी देती हैं। इस पर्व पर कई सारे गीत गाए जाते हैं जिससे इस पर्व की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। इतना ही नहीं, छठ पर्व गीतों के माध्यम से सूर्य देवता और छठ मैया दोनों की प्रार्थना की जाती है। छठ महोत्सव मंगलवार यानी 24 से शुरू होकर 27 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर को पहला दिन नहाय खाय रहा। नहाय खाय के दिन घर की पूरी तरह से सफाई कर स्वच्छ होकर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं स्नान कर और पूजा अर्चना के बाद कद्दू व चावल के बने प्रसाद को ग्रहण करती हैं। 25 अक्टूबर को खरना रहा। इस दिन से महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ होता है, जो उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पूरा होता है। इस दिन व्रती महिलाएं
उपवास और शाम को स्नान कर विधि विधान से गुड़ और गन्ने से बनी खीर का प्रसाद तैयार कर भगवान भास्कर की आराधना करती है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करती है। 26 अक्टूबर की शाम को अर्घ का दिन यानी तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत भजन और व्रत कथा सुनने की मान्यता है और आखिरी दिन यानी चौथे दिन सुबह के समय सूर्य उदय से पहले ही लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आस्था का पर्व छठ पूजा का समापन कर व्रती महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज। छठी मैया के चार दिन के पर्व का अपना अलग ही महत्व है। ये सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व है और छठ घाटों पर लगने वाली लोगों की भीड़ इस पर्व की पवित्रता, निर्मलता और मान्यता की साक्षी है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।